नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और ये है मेरा इस हफ्ते का फिल्म रिव्यू फराज। अनुभव सिन्हा प्रोड्यूस्ड और हंसल मेहता डायरेक्टेड फराज ढाका के कैफे में हुए टेररिस्ट अटैक की कहानी है। 5 नौजवान कैफे में एंट्री लेते हैं और पॉइंट ब्लैंक शूट आउट करते हैं। कुछ ही क्षणों में एक हसीन शाम एक भयानक रात में बदल जाती है। कहानी दो लेवल्स पर ऑपरेट करती है, एक जो कैफे के अंदर होता है यानी टेररिस्ट का होस्टेजेस पर अत्याचार, दूसरा जो कैफे के बाहर होता है, पुलिस और मिनिस्ट्री की ऑपरेशन की तैयारियां और होस्टेजेस के परिवारों की परेशानियां। इनमें शामिल है बांग्लादेश का लीडिंग बिजनेस हाउस लतीफ़-उर-रहमान का परिवार, जिनका नवासा फराज अपने दोस्तों के साथ कैफे में होस्टेज है। फिल्म के ओपनिंग शॉट्स, क्लोजिंग शॉट्स, म्यूजिक और ट्रीटमेंट इज व्हाट सेट्स द फिल्म अपार्ट फ्रॉम अदर टेररिस्ट फिल्म्स। नैरेटिव कब, क्यों, कहां, कैसे कि बैक स्टोरीज में न जाते हुए उनके प्रेजुडिसेस, परसेप्शंस, डिस्क्रिमिनेशंस और डिफेंसेस को एक्सेप्ट करती है और टेररिस्ट्स और टेररिज्म के सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती है। फिल्म के डीमेरिट्स, पेस डिलिबरेटली स्लो है ताकि हम होस्टेजेस के घुटन को महसूस कर सके, द क्लॉस्ट्रोफोबिया। कॉन्फ्लिक्ट एरियाज बहुत कम है, देरी से आते हैं और लो की है, जिसकी वजह से हमारा मन थोड़ा सा भटकता है, मगर हमें वापस ट्रैक पर लाते हैं फिल्म की सेंसिटिव परफॉर्मेंसेस। नए कलाकार हर्षल, जतिन, निनाद, सचिन और उनके लीडर आदित्य रावल सुपर इफेक्टिव। जहान उर्फ छोटू उर्फ फराज अपने क्वाइट और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को प्रपोशन और प्रसिशन से निभाते हैं और जहान की माँ जूही बबर सोनी सिमी रहमान को लिबास, जबान, मिजाज यानी एटीट्यूड से अपनाती है। शी इज बोथ रिफ्रेशिंग एंड पावरफुल। मैं भावना समाया हंसल मेहता की फराज को बिग रेटिंग्स देती हूँ, 3.5 स्टार्स, जिनमें से आधा स्टार उनकी नेक नियत और सुपर संदेश के लिए है। इस फिल्म को जरूर देखिए।